इस बार मुझे बताइए किस मिल रहा है भाई वही सबक पढ़कर मुनाफत का तारीख लिखना हकीकत की सबक पढ़कर मुनाफत का तारीख लिखना हकीकत की बड़ा कठिन है कि गांव के माथे पर लगे के बाहर लिखना। आज इमरान साहब जो आप ये नन्हे मुन्ने फूल लेके आओ तत्तापानी चौक में एहतियात कर रहे हैं, आपका ये एहतियात हद तक बढ़ गया। मैं समझता हूँ जो ज्यादा आपको तालेब के साथ हुई अदारों के साथ ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा दरअसल उस तालेब से होती है कि जिसको मुकाबले की दौड़ से जान बुझ के पाए रखा था। और इस मौके पर मैं भरपूर तरीके से जिले एलिमेंट्री बोर्ड की यहाँ पर उनके जो अरबाब अख्तियार है उनके पर जोर मुजामत करता हूँ, आपसे जारी विनती करता हूँ, बाप जिले एलिमेंट्री बोर्ड के अहबाब के लिए भी कहूँगा कि जा पूरे गरीबों पर नजर डाल, इबरत खुल जाएगी दुर्घटना करी दुनिया की हकीकत और इबरत के लिए टोड़ी सी शाह की दुर्घत और पूछ क्यों है तेरी शान हकूमत कल बेचने के बड़ा जरूर हुआ आज कहा है काशा सर बोल भी तेरा तो आज कहा है। इमरान साहब आपके साथ जो जाती हुई है पूरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आपके साथ करी, पूरे रिकॉर्डेशन आपके साथ करी है। मैं इस मौके पर अपने दोस्तों से जो यहाँ उत्तर स्कूल के अंदर खड़े हैं आप सब से भी एक तमाश करता हूँ, उन्होंने हिसाब इकट्ठी किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ विदेश तो आप लोग तकरीबन जान चुके हैं कि हमारी एक तालपा किंजा लगे ग्रेड क्लास की जो स्टूडेंट थी रिजल्ट में वो टॉप कर रही है, जो टॉप पे जो स्टूडेंट आई है 777 उसके मार्क्स तो ये उसको भी टॉप करते हुए 781 पे जा रही है। लेकिन बोर्ड में ये कुछ माफिया ऐसा है जो करप्शन लेके उन्होंने हमारी उस बच्ची को न सिर्फ टॉप 1 से बल्कि टॉप 20 से ही फायर कर दिया है, तो उसके खिलाफ हमने ये एहतजाज किया है। क्योंकि पिछली बार ही हमारे स्टूडेंट के साथ जो टॉप स्टूडेंट था उसका भी एक सब्जेक्ट मिला जिसके लिए उसके मार्क्स 68 थे और सिर्फ 2 मार्क्स मिला था, हमें रिजल्ट कार्ड जारी कर दिया गया। जब हमने एहतजाज किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 6 जो है वो लिखना भूल गए हैं, तो फिर हमें कार्ड थमा दिया। फिर हमने उन्हें कहा कि हमें मुकम्मल पेपर चेक करवा दिया क्योंकि यह हमारा बच्चा जो है ये बोर्ड में पोजिशन लेने वाला बच्चा है, क्योंकि हम टीचर हैं पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे का पता होता है वो 7 पे है। तो वहां पर उस वक्त यह हुआ कि तमाम जो एलिमेंट्री बोर्ड की बॉडी थी पार्टीशन सीटें चुके हुए जब बोर्ड में चेंज हुई तो बॉडी सारी चेंज होगी, तो हमें ऐसे ही जगह हिले बहाने करके तनखा दिया गया कि कल आप परसों है इसी तरह वो बॉडी चेंज होगी। जब ले लेंगे उनकी ताजी करने को पता नहीं है पुराना सिस्टम जो है वो बोर्ड नहीं लेंगे, तो इस तरह भी जो हमारे टॉप स्टूडेंट के अंदर इस चीज का दुख है, ये क्या वजह है क्या साजिश है कि हमारे अगर का जो टॉप स्टूडेंट होता है उसी के साथ प्रेजेंट करने में क्यों मिस्टेक होती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी मिस्टेक होगी तो क्यों मिस्टेक हुई है, हर बंदे हमारे जो टॉप स्टूडेंट है हर बंदे को पता है ये इस बारे का टॉप स्टूडेंट है इसी से क्यों टारगेट किया जाता है। और जो भी हमारे देश में मशरूफ है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मेरा टेस्ट केस भी है और आपको ये भी बता होना चाहिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं अंग्रेजों का आदरण करता हूँ, जहाँ सबर हूँ दो महीने के लिए और ये तुम लोग को ये आपने जो मदद किया है मैंने मुस्लिम सदर की हवाला कर दिया है। मेरे लिए सबसे मुश्किल बात ये थी कि आज ये जो आपने एहतजाज किया इस हवाले से सोच रहा था, क्योंकि हमारी हुकूमत भी है हम उसके नुमाइंदे भी हैं उसकी मदद से अमला का मेंबर भी हूँ और कायम मकाम सदर ग्रंथ आजाम भी हूँ, लेकिन मैं जहाँ मुझे अपनी हुकूमत जहाँ मुझे अपना जमात अजीज है उससे ज्यादा मुझे अपने तुरबा का जो है मुस्तकबिल अजीज है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपने दोस्तों को और हमारा स्टडीज के आप डॉक्टर साहब को और हमारे भाई साथी जावेद साहब को आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ जो जाती है नामसाफी हुई है उसकी जो है मैं बड़ी मजामत करता हूँ और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको साथ जरूर मिलेगा और इंशाल्लाह जल्द हमारा एक वफद जो वजीर आजम आजाद कश्मीर को मिला जा रहा है तत्तापानी से वहाँ भी हम आपकी ये एहतियात ये रिकॉर्ड करेंगे शिकायत करेंगे आपसे आपका आप जरूर मिलेगा। उसके बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये अगर आप आपके पास सबूत बात होती है सबूत की सबूत अगर आपके पास है साथ ही साथ सबूत है तो मेरे ख्याल में आज भी चल ठीक हो ये चोर और भगदाद जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके खिलाफ आपको कोर्ट में भी जाना चाहिए और उनके खिलाफ जो आप खुद कर रही होगी हम आपके पुष्ट पर खड़े होंगे इन्हीं खान के साथ आजाद चलूंगा और मैं बुलाऊंगा।
طالبوں کو تیار کر کے کیڈٹ کالج کنٹری میں بھیجا تو لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی کہ ایسا ایک ادارہ مذہب وجود میں الحمدللہ آ چکا ہے کہ جو ہمارے بچوں کا اصل رہنما اور ہمارے بچوں کا مسفر ان کے ہاتھ میں ہے تو والدین مطمئن ہوں گے. مجھے میرا افسوس ہے کہ لگ رہا ہے کہ حالیہ جو ضلع کوٹی ایلیمنٹری بورڈ ہے جو کرتون ضلع ایلیمنٹری بورڈ کے سامنے آئے وہ بھائی شرمدار انتہائی ویسے بھائی ان کا چتر بھی مزاحمت کی جائے کم ہے. یہ ان کا مسئلہ نہیں لوگوں یہ آپ سب لوگوں کے بچوں کا مستقبل ہے. یہ ٹیلنٹ یہ خوبیاں یہ محنت یہ ویسے بچے ممتار کے لیے تیار نہیں ہو جاتے. دن رات محنت ٹیچرس کی محنت تم کا بھی محنت آخر آخر بورڈ میں جائیں بچے تو وہاں پر نائنصافی ہو اور نائنصافی اتنی کہ جو پہلی جنریشن میں آ رہی ہے سیما میں اسے ٹاپ ٹین سے بھی باہر نکال دیا گیا. مجھے بتاؤ اس بچی کا کیا حال ہوا ہوگا اس کا جو پہلے سے نشر کیا گیا جو سر پر زیادتی کی گئی جو نائنصافی کی گئی لیکن آگے اسے اس کا حق تو مل گیا لیکن وہ جو پانچ سات دن تک جو جس کا دودھ میں بچی ہے اس کا ذمہ دار کیا ہوگا. میں ذمہ دار ضلع ایلیمنٹری بورڈ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس میں کون سا آپ نے ایسا میرٹ بنا کے رکھا ہے کہ اپنی من مرضی کے مطابق پوزیشن اناؤنس کرتے ہو اور جو حقدار ہے انہیں وہاں سے اٹھا دیتے ہو. میں آج کی اسٹیچو دار مسافت سے وزیر اعظم نے دار کشمیر راجہ بھائی راجہ خان صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے دور میں کرے جہاں انصاف سے انصاف کا طور والا ہے وجود میں بھی مانتا ہوں بات کو این ٹی ایس کا نظام ہے جب پی ایس سی کی آزادانہ رکنے تھی اس کا انتخاب ہے اسی طرح ہے جو آپ میرے پر کام کر رہے ہیں تو آپ اس وقت میں اس سال تک لینا چاہتا ہوں کہ ضلع ایلیمنٹری بورڈ ہو یا آزاد کشمیر کا بورڈ ہو ان میں سے وہ جو کالی پھیرے ہیں انہیں باہر نکالو اس کی تو ترقی بناؤ. جہاں پر اتنے رکھے ہوئے ہیں سیکریسی آفیسر ارے بھائی سیکریسی آفیسر آفیسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکریسی آفیسر یہی ہوتے ہیں کہ بورڈ میں جو سیکرٹ معاملات ہوتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے کوئی بورڈ ایسا بل بنا نہ جائے بچوں کو انسان ان کا حق تک پہنچے تو یہ بات بول رہی ہے گوشت کی راشن بھی لے لیں